अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक बेसिक डाटा पे हम सिविल 3D में क्वांटिटी टेक ऑफ जो है वो लेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें क्वेश्चन किया गया है कि उन्होंने ये दो डाटा सेंड किए हैं मुझे। यहाँ पे एक FRL का डाटा है, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, और एक OGL का डाटा है। तो सबसे पहला जो टास्क है वो यही है कि इसमें अलाइनमेंट और प्रोफाइल कैसे क्रिएट होगी और फिर उसके बाद इसमें क्वांटिटी कैसे होगी। ऑलरेडी वीडियोस थी इसमें, मगर शायद उनको समझ नहीं आ रही, उनको अपने ही डाटा से वीडियो रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लिया है, ओके, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिविल में मैंने यहाँ पे ये ड्रॉप पैनल में यहाँ पे ये जो 3D पॉली लाइन है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक एंटर, यहाँ पे हमारे पास एक 3D पॉली लाइन आ गई है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक क्विक प्रोफाइल की जो है ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको, ये हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल है, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो गया है जिसमें हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल आ गई है। तो मैं सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ लैंड XML में। यहाँ से मैं इस, ये जो लाइन आई है हमारे पास, यहाँ पे कोई कर्व वगैरह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अभी अगर यहाँ पे मैं Ctrl+S करूँ तो ये फाइल यहाँ से चली जाएगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए थी। अभी जो हमें चीज़ रिक्वायर थी वो हमने ले लिया यहाँ से। यहाँ पे मैं लैंड XML ओके, और यहाँ पे ये जो है मैं इसको ओपन करता हूँ और जस्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमारी अलाइनमेंट आ गई है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो इधर से बना है। इसी अलाइनमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका प्रोफाइल व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, क्रिएट प्रोफाइल व्यू। मैं इसको कोई भी नाम देता हूँ, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 आ रहा है। मैं जस्ट क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी Ctrl+S करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये ऐसे एज इट इज यहाँ पे रहते, ओके। अभी हमने इस पर अपना GL जो है वो लाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सरफस में क्रिएट सरफस, और इसको मैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड का नाम दे देता हूँ। स्टाइल बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है मैंने इसी को लिया है, और यहाँ से आप इसको अभी जो है वो पॉइंट फाइल जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा NGL है, ओके। तो फाइल ये ओपन है इसलिए ये जो है इसमें नहीं आ रही, तो यहाँ पे ये NGL की फाइल है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम सिविल 3D में इसको दोबारा देखते हैं कि ये ओपन होती है कि नहीं होती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है इसका ये फॉर्मेट है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सरफस हमारी अलाइनमेंट के नीचे आ गई है। अभी हमने इसको अपने प्रोफाइल व्यू में ऐड करना है, तो सिंपल यहाँ से आपने क्रिएट सरफस प्रोफाइल में जाना है, और यहाँ से ये जो सरफस है इसको आपने जस्ट यहाँ से ऐड करना है और ओके कर देना है, ओके। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो हमारी प्रोफाइल जो है अभी यहाँ पे आ गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये हमारी OGL की प्रोफाइल आ गई है यहाँ पे। अगर कोई डाउट है तो हम इसको दोबारा कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रोफाइल को यहाँ से पहले हम स्टाइल असाइन कर देते हैं, ओके, और इसको मैं यहाँ पे डिजाइन प्रोफाइल कर देता हूँ, ओके। अभी हम इसको व्यू इसका स्प्लिट कर लेते हैं ताकि ये ऐड होती हुई हमें नजर आ जाए यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, तो ये एक ही है अभी। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ होम टैब, प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल, और यहाँ पे ये जो हमने पहले भी ऐड की ऐसे ही मैं इसको जस्ट ऐड करता हूँ। यहाँ प्रोफाइल व्यू में आप देखेंगे कि ये प्रोफाइल जो है ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगी। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, क्लोज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ये हमारी एग्जिस्टिंग है और ये हमारी डिज़ाइन है, तो इसमें जो है वो कर्व वगैरह कुछ नहीं थे,
उन्होंने लगाए हुए जो डाटा एज इट इज उन्होंने दिया है, मैंने उसको एज इट इज प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी हमने इसके जो है नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन कट करने हैं। ओके, और उसके लिए जो असेंबली है, असेंबली उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, ये असेंबली है, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ड्राइंग में। ओके, ये असेंबली है, मैं इसको थोड़ा सा कोड सेट स्टाइल जो है वो असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये कोड है, इसको मैं यहाँ पे कोड असाइन कर देता हूँ। ओके, ये हमारी असेंबली आ गई है। अभी हमने इसके जो है वो कॉरिडोर बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको कॉरिडोर रन करता हूँ। कॉरिडोर में आप कुछ भी नाम दे दें, मैं जस्ट इसको कॉरिडोर रख रहा हूँ। और यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये 3D एंटिटी से जो हमारी प्रोफाइल आई है वही है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है। ओके, और यहाँ पे टारगेट है, तो टारगेट हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। यहाँ पे मैं इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट कर देता हूँ, मैं इसको बिल्कुल मिनिमम पे कर रहा हूँ, माइनर इंटरवल पे। ओके ओके, ठीक हो गया। अप्लाई, रीबिल्ड, ओके ओके। तो यहाँ पे ये हमने असाइन कर दिया था, यहाँ पे भी आपने इसको प्रोफाइल को जो है वो यहाँ पे असाइन कर लेना है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ पे आपने जो जो प्रोफाइल वन है उसको आपने एग्जिस्टिंग पे रख देना है, नेक्स्ट ऑलरेडी उसी पे है। ओके, और मैं इसको जस्ट ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। कॉरिडोर हमारा बन गया यहाँ पे। ओके, अभी हमने इसके जो है वो सरफस, जो सबग्रिड टॉप की सरफस है वो हमने क्रिएट करनी है, तो वो आप यहाँ पे कॉरिडोर प्रॉपर्टी में चले जाएं, यहाँ पे सरफस है, यहाँ पे आप आ जाएं, इसको मैं टॉप का नाम दे देता हूँ। ओके, ये हमारी कॉरिडोर की डेटम सरफस है। ओके, और यहाँ पे आपने डेटम लिंक सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपने डेलाइट सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये हमारे जो है बॉटम लिंक, इनसे हमारी सरफस बनेगी, और यहाँ पे अगर आप बाउंड्री ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ से, मैं अभी इसमें बाउंड्री ऐड नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पे ये सरफस बन गई है, अगर हम इसका व्यू चेक करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सरफस है इस तरीके से यहाँ पे ये बन गई है। ओके, तो इसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगुलेशन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है यहाँ तक जा रही है, जबकि जो कॉरिडोर है वो यहाँ तक है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है एक बाउंड्री क्रिएट की थी इसकी, यहाँ पे पॉलीलाइन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑलरेडी मैंने की हुई है। ठीक है, तो ये बाउंड्री आप कॉरिडोर फीचर लाइन एक्सट्रैक्ट करके उसका पॉलीगॉन बना के आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने जस्ट टाइम बचाने के लिए इसको किया है। अभी यहाँ पे ये सरफस जो थी हमारी, ये जो अभी बनी है हमारी डेटम सरफेस, तो इसको आपने यहाँ से एक्सपेंड करना है, यहाँ पे बाउंड्रीज, ऐड बाउंड्रीज, मैं इसको 1 करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको आउटर करता हूँ, और ये जो हमारे पास ये जो पॉली लाइन है, आपने इसको इसमें सरफेस में ऐड कर देना है। ओके, अभी इस पे मैं सैंपल लाइन क्रिएट करता हूँ, ये हमारी सैंपल लाइन है, अलाइनमेंट एक ही है हमारे पास, और यहाँ पे ये जो है एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, इसको आपने अगर आपके पास कोई स्टाइल है तो आपने असाइन कर देना है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पे ये जो है मैं इसको ये असाइन कर देता हूँ कोड, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपने इसको बाय स्टेशन ऑफ रेंज लेना है, और यहाँ पे ये जो है 30 मीटर मेरे पास है, और मैं इसको 5-5 मीटर पे मैं इसके क्रॉस सेक्शन जो है वो कट कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रू है स्टार्टिंग में, और एंड में भी ट्रू है, हो सकता है आपके पास ये फॉल्स पे हो, आपने इसको ट्रू पे कर लेना। ओके, यहाँ पे सैंपल लाइन हमारे क्रिएट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने इनके जो है वो क्रॉस सेक्शन लेने हैं, तो क्रॉस सेक्शन के लिए जो है यहाँ पे आपने क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यू में चला जाना है। ओके, और यहाँ पे मैं यहाँ इसको स्टाइल असाइन कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, मैं ड्राफ्टिंग मोड में कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो है एज इट इज आ रहा है, नेक्स्ट
और यहाँ पे मुझे बैंड सेट नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं क्रिएट सेक्शन व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग में मैंने क्लिक कर दिए, सेक्शन हमारे ड्रा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी जो सरफस हमने ये डेटम की बनाई थी, ये हमारी सरफस आ गई है और ये हमारा कॉरिडोर का जो हैच था वो आ गया है और यहाँ पे अभी जो है एग्जिस्टिंग ग्राउंड ड्रा हो गया है। अभी हमने इसमें अपना मटेरियल ऐड करना है, तो मटेरियल ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है और ये हमारा जो है मटेरियल वॉल्यूम है, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा बीबीसी है, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल है, यहाँ पे ये हमारा पे वन के नाम से है इसका कोड। नेक्स्ट मटेरियल जो है हमारा वो शोल्डर है, ये भी पेव शोल्डर है और ये भी हमारा स्ट्रक्चर फिल है। यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा शोल्डर था। नेक्स्ट हमारा मटेरियल जो है वो कट है, ओके। और यहाँ पे आपने इसका जो भी स्टाइल आपके पास हो आपने साइन कर लेना है। यहाँ पे ये जो है ये हमारा बीबीसी है, ये भी बीबीसी है, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा कट मटेरियल है और इसके लिए जो है मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड और डैटम सरफस है, तो कट में एग्जिस्टिंग रोड से ये बिलो होगा और डैटम से अबव होगा। इसी तरह ये जो है नेक्स्ट मटेरियल जो है वो हमारा फिल का होगा और फिल में ये फिल पे ही रहेगा और यहाँ पे ये जो है एग्जिस्टिंग ग्राउंड है और डैटम है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड से अबव होगा और डैटम से बिलो होगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसको मटेरियल जो है वो असाइन कर दिया है यहाँ पे स्टाइल। और यहाँ पे अभी हम अपनी जो है वो मटेरियल कैलकुलेशन देखेंगे कि ये कैसे होती है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है फिल जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे, ओके। ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके, ये हमारा फिल था और इसको हमने जो है वो फिल का जो है वो स्टाइल असाइन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये हमारा फिल जो है, ओके, यहाँ ऐसे बॉटम में ही उनको रिक्वायर्ड था, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, ये हमारा कट का जो सेक्शन है वो बन गया है यहाँ पे। अभी हमने इसमें अपना मटेरियल वॉल्यूम ऐड करना है, तो मटेरियल वॉल्यूम ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये जो सेकंड टैब है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने ये जो वॉल्यूम मटेरियल है वॉल्यूम टेबल है इसको यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सारे मटेरियल जो भी क्रिएट किए थे वो आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको आपने पोजिशन असाइन कर देनी है, अप्लाई कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्रिएट होके जो है वो सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्रिएट होके यहाँ पे आ गया है। अभी ये सारे सेक्शन में जो है आप लोग देख सकते हैं हर सेक्शन में ये जो टेबल है वो यहाँ पे आ गया। आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है ये भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रुप प्रॉपर्टी, ओके, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, ओके, यहाँ से आपने इसको एडिट में जाना है प्रॉपर्टी, तो मैं इसको 0.5 और 0.5 कर देता हूँ, ओके। ऐड पे क्लिक करना है, ओके करना है और ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे ये जो है आपका जो टेबल है वो आ गया है। इसको आपने जस्ट अभी जो है यहाँ से अपडेट व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, तो ये अपनी असल पोजीशन में जहाँ पे आपने इसको टॉप राइट में असाइन किया था वहाँ पे ये असाइन हो जाएगा। तो उम्मीद है इनका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्वांटिटी वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।